हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आरडीपीबी डिप्लोमा के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स 1। और आज हम लोग अपना पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, मैं उस बच्चे से ये बोलूंगा कि आप जाइए, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, आप जाकर पहले सिलेबस का वीडियो देखिए बेटा, क्योंकि वहां के वीडियो में मैंने डिस्कस करा था कि अपन को किस तरीके से पढ़ना है और हमारा क्या स्ट्रेटजी होगा। ठीक है बेटा, चलिए तो एक बार मैं लिखकर क्लियर कर देता हूं कि आज हम लोग अपना मैथमेटिक्स 1 स्टार्ट करने वाले हैं। किसके लिए? आरडीपीबी डिप्लोमा के बच्चों के लिए, क्योंकि इस बार क्या है ना, डिप्लोमा में भी मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2 आ चुका है। तो अगर कोई बीटेक का बच्चा इसे देख रहा है तो भाई साहब, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, क्योंकि ये बीटेक की क्लास नहीं है, ये है डिप्लोमा की क्लास। कंफ्यूजन तो होगा, क्योंकि बीटेक वाले का भी क्या है मैथमेटिक्स 1 और डिप्लोमा वालों का भी क्या है मैथमेटिक्स 1। तो बीटेक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, आप जाइए और अपने बीटेक वाले लेक्चर्स को क्या कीजिए बेटा, एंजॉय कीजिए। ठीक है, देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा सबसे पहला यूनिट जो है ट्रिग्नोमेट्री। और आप ये मानकर चलो कि एग्जाम में कितने भी खराब मार्क्स का ये आएगा तो 15 से 20 मार्क्स का आएगा। इग्नोर नहीं कर सकते इसे, इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो है ना वो क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री से डरते थे। बोलोगे तो नहीं, लेकिन हमें पता है क्योंकि मैं भी डरा करता था। तो जाहिर सी बात, अगर मैं डरा तो मेरे साथ ऐसे बहुत ऐसे लोग थे जो ट्रिग्नोमेट्री से डरते थे। देखो बेटा, अभी क्या है ना, हम लोग डिप्लोमा के क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ऐसे बच्चे तो ये मानकर बैठे हैं कि उससे ऑनलाइन स्टडी नहीं होगी। मैं उन बच्चों से ये कहना चाहता हूं कि आप ऑनलाइन सब कुछ कर रहे हो, आप ऑनलाइन व्हाट्सएप चला पा रहे हो, आप ऑनलाइन गेम खेल पा रहे हो, आप जब सारी चीजें ऑनलाइन कर सकते हो तो आप पढ़ाई ऑनलाइन क्यों नहीं कर सकते? ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है नहीं पढ़ने का कि सर हमसे तो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होगी। सब कुछ कर रहे हैं ऑनलाइन, गेम खेल रहे, पबजी खेल रहे, सारे हैक्स लगा रहे उसमें, तब उन्हें ऑनलाइन से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी किसी बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाई से दिक्कत होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है बेटा। यहां पर जब हम लोग चीजों को स्टार्ट करेंगे ना, तो मैं एकदम आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा। आप क्या करो, मेरे एक लेक्चर को कम से कम दो बार देखो, और मैं जितने क्वेश्चंस करवाता हूं बेटा उसको कम से कम आप चार बार उसे प्रैक्टिस करो। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो बेटा, तो आप मान कर चलो कि मैथमेटिक्स 1 में आप पास नहीं होने वाले। क्योंकि बहुत सोचने के बाद मैं इन कंक्लूजन पे आया था कि नहीं भैया, डिप्लोमा के बच्चों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि 10th के बाद जो डिप्लोमा का लेवल है वो थोड़ा सा हाई है, और इस लेवल को मैच करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेरे पढ़ाने से कुछ भी नहीं होने वाला, ये मैं आपको बताता हूं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। मैंने क्या बोला, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपका बहुत अच्छा रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, तो आज जो हम लोग करेंगे बेटा, वो हम लोग रिकॉल करेंगे कि क्लास 10th में हम लोग क्या क्या पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, उसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। और जो बेसिक्स फॉर्मूले हैं वो मैं आपको यहां पर करवाऊंगा बेटा, और कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, ताकि जब अगले क्लास में जब हम लोग डिप्लोमा की पढ़ाई पढ़ें तो आपको चीजें समझ में आए, आपके सर के ऊपर से कुछ ना जाए। ठीक है, तो सारे बहाने को आप साइड कर दो, अच्छे मन से वीडियोस को देखो, समझ में आपको आएगा। बीच बीच में मैं पानी पी सकता हूं क्योंकि मुझे खांसी हुई है, मैं दो बार रीटेक कर चुका हूं, लेकिन अगर अब मुझे पानी पीने की जरूरत पड़ी तो मैं पीऊंगा लेक्चर के बीच में, तो प्लीज उसे आप इग्नोर करना। ठीक है, क्योंकि सर्दी की वजह से हमारा गला वाला सब बैठ चुका है और सांस भी लेते नहीं बन रही है ना। चलिए भैया, तो ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, ये पता है किस पे बेस्ड है? ये हमारा बेस्ड है राइट एंगल ट्राइंगल पर। किस पर बेस्ड है बेटा? ये बेस्ड है राइट एंगल ट्राइंगल पर। अब सबसे पहला सवाल आपका ये होगा कि सर ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है जिसपे ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है? तो देखो बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल हम वैसे ट्राइंगल को कहते हैं
जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, जिसका ये एक एंगल कितना डिग्री हो 90 डिग्री। तो कोई ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो वैसे ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब अगर आप इसे गौर से देखोगे बेटा तो यहां पर तीन साइड्स हैं, एक साइड ये है, एक साइड ये है और एक साइड आपका ये है। तो इन तीनों ही साइड्स का क्या होता है बेटा, कुछ नाम होता है। इन तीनों ही साइड्स का क्या होता है बेटा, कुछ नाम होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक एंगल है थीटा, तो इस थीटा के सामने वाला जो साइड होता है ना उसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, जिसको डिनोट करते हैं पी से। ठीक, और अगर ये एंगल थीटा है तो इसके साथ वाले साइड को, मतलब इस वाले साइड को हम लोग कहेंगे बेस। क्या कहेंगे, बेस कहेंगे और डिनोट करेंगे इसे बी से। ठीक है, और ये जो तिरछा है ना, ये ऐसा लेटा हुआ बेचारा गरीब आदमी, ये ऐसे, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, जिसको डिनोट करते हैं एच से। ठीक है, और भैया हिंदी मीडियम वाले घबरा मत जाना, सौर तो इंग्लिश पढ़ा रहा है, अभी आगे जब मैथ्स करवाएंगे ना वहां पे कोई हिंदी इंग्लिश काम नहीं आने वाला, वहां पे सिर्फ मैथ रहेगा, तो मैथ का कोई लैंग्वेज नहीं होता है, आप डिफ्रेंशिएट मत करना, करो सौर तो और इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, आगे की जो मैथ्स है ना वहां लैंग्वेज का कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए बेटा, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो बेस्ड होता है राइट एंगल ट्राइंगल पर, और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। तो वैसे ट्राइंगल को हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, और राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा जो साइड्स होते हैं उनका कुछ पार्टिकुलर नाम होता है। जैसे कि अगर हम इस वाले एंगल से देखते हैं तो इस वाले एंगल के सामने जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर, जिसको डिनोट करेंगे पी से, है ना, और ये जो आपका थीटा एंगल इसके साथ वाला जो होगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, बेस। ठीक, और ये जो तिरछा वाला है इसको बोलेंगे हाइपोटेनस, जिसको डिनोट करते हैं एच से। ठीक है, चलिए बेटा, तो अभी आपको ये पता चला कि एक ट्राइंगल है, अगर ये एंगल थीटा है इसके सामने वाला होगा पी, मतलब कि परपेंडिकुलर, इस थीटा एंगल के साथ वाला ये वाला साइड होगा बी। ठीक है, और ये जो साइड है बेटा इसको कहते हैं एच। अब यहां तक कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपको ना समझना है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल अगर 90 डिग्री हो तो वैसे ट्राइंगल को कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, और अगर हम इस थीटा एंगल से देखते हैं तो ये साइड को हम बोलेंगे पी, इस साइड को हम बोलेंगे बी मतलब की बेस, और इस साइड को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। ठीक है, अब यहां से क्या है ना बेटा, कुछ बेसिक्स फॉर्मूले का निर्माण होता है ना, अगर हम चाहें P और H को अगर हम डिवाइड कर दें, अगर ये साइड जो P है और ये जो H है बेटा इसको हम अगर डिवाइड करें, ठीक है, अगर हम P को डिवाइड कर दें H से तो ये पता है कौन सा फॉर्मूला बन जाता है, ये बन जाता है साइन थीटा। आप देखो कुछ भी नहीं है बेटा, यहां पे जो तीन साइड्स है ना, हमने क्या किया, P को डिवाइड कर दिया H से, तो अगर आप P को H के साइड डिवाइड करते हो, अगर आप P को H के साथ डिवाइड करते हो तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, साइन थीटा। अगर आप वही काम B और H के साथ करो कि B को डिवाइड कर दो H के साथ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, है ना। तो आप सिर्फ सोचो बेटा कि यहां पर कुछ साइड्स हैं जिन साइड्स को डिवाइड करने पर आपस में कुछ फॉर्मूलेज बन जाते हैं, कुछ फॉर्मूलेज बन जाते हैं। तो अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपका बेस्ड होता है राइट एंगल ट्राइंगल पर, और राइट एंगल ट्राइंगल के तीन साइड्स होते हैं पी, बी और एच। अब इन तीनों साइड्स को अगर हम आपस में डिवाइड करें तो कुछ फॉर्मूलेज बनते हैं बेटा। अगर ये तीन साइड्स हैं, इन तीनों साइड्स को अगर आपस में डिवाइड करें तो कुछ फॉर्मूलेज बनते हैं बेटा, और बस यही आपको जानना है। बिल्कुल मत घबराओ, पहला लेक्चर है, घबराना नहीं है, भाग कर कहीं नहीं जाना है। मैं 10 बार बोलूंगा अगर आपको समझ में नहीं आएगा, किसी मैथ को मैं जितनी बार बोलोगे मैं उतना आराम से करवाऊंगा बेटा, लेकिन आपको भागना नहीं है, मेहनत करना है बेटा, क्योंकि आप अभी क्लास 10th पढ़कर आए।
थोड़ा मैं आपको बच्चा ही मानकर चल रहा हूँ क्योंकि आप बच्चे क्योंकि बीटेक वाले बच्चे थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं क्योंकि 11th 12th थोड़ा कोचिंग वगैरह इधर उधर जाते हैं तो थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन क्लास 10th के बच्चे उतने मैच्योर नहीं होते। लेकिन क्लास 10th के बच्चों को अगर मैं ये बोल रहा हूं कि राइट एंगल ट्राइंगल का तीन साइड होता है पी बी एच, तो वो मेरा बच्चा मानेगा, वो मेरा बच्चा मानेगा। और मैं उस बच्चे को ये भी बोल रहा हूं कि अगर हम लोग दो साइड्स को डिवाइड करते हैं तो कुछ फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है बेटा? कुछ फॉर्मूला बनता है। तो चलिए हम लोग अब करेंगे फॉर्मेशंस ऑफ फॉर्मूले, है ना। तो भैया धीरे धीरे समझ में आएगा, भागना मत मेरे दोस्त वरना फंस जाओगे। दो साल से मैं डिप्लोमा के बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैंने स्टार्ट करा फर्स्ट सेमेस्टर से। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ोगे तो मैं सेकंड में पढ़ाऊंगा, सेकंड में पढ़ोगे थर्ड में पढ़ाऊंगा। तो ऐसे क्या है कि फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा, वरना डिप्लोमा के बच्चे बहुत भटकते हैं इधर से उधर। ठीक है, चलिए बेटा बेसिक फॉर्मूला। ठीक है बेटा, ये मान लो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका थीटा, थीटा के सामने वाले साइड को पी बोलते हैं, थीटा के साथ वाले साइड को बी बोलते हैं, और ये आपका हो गया एच। ये क्या हो गया बेटा? आपका एच। ठीक है, चलिए सबसे पहला फॉर्मूला ये होता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? जब हम पी और एच को डिवाइड करते हैं तो बनता है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो गया? पी अपॉन एच। ठीक है, बोलोगे यस सर। उसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला बनता है बेटा वो होता है कॉस थीटा का। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा जब हम बी और एच को डिवाइड करते हैं, तो जब हम बी को एच के साथ डिवाइड करते हैं तो फॉर्मूला बनता है कॉस थीटा। ठीक, चलिए तीसरा, जब हम पी और बी को डिवाइड करते हैं तो फॉर्मूला बनता है टैन थीटा पी अपॉन बी। सिर्फ ये तीन फॉर्मूले आपको अभी ध्यान रखने हैं, इसी तीन से क्या करेंगे हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले को बनाएंगे। आइए देखते हैं। देखो बेटा, सबसे पहली बात आप अपने दिमाग में एक बात ये समझ जाओ। ठीक है, बोलोगे क्या क्या? देखो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, इसको मैं इधर बना देता हूं, है ना, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। देखिए बेटा, साइन थीटा का दोस्त होता है कॉसेक थीटा। फिर से सुनिएगा, साइन थीटा का दोस्त होता है कॉसेक थीटा। कौन सा थीटा? कॉसेक थीटा किसका दोस्त होता है? साइन थीटा का दोस्त है कौन? कॉसेक थीटा। ठीक है, अब ये दोस्त है ना, तो ये क्या होगा? उल्टा होगा। जैसे कि साइन थीटा है पी अपॉन एच, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी। ठीक है, बोलोगे यस सर। फिर से मेरी बात को आप सुनना, साइन थीटा का दोस्त कौन है? कॉसेक थीटा। बोलोगे यस सर। ठीक है, तो देखो साइन थीटा है पी अपॉन एच, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा एच अपॉन पी। ठीक, अब देखो बेटा, अब यहां से एक और फॉर्मूला बनता है कि अगर दो दोस्त आपस में मिले, अगर ये दो दोस्त आपस में मिल जाए कहीं पर, है ना, मतलब अगर हम साइन थीटा और कॉसेक थीटा को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये दोनों क्या है? आपस में दोस्त है। ठीक है, तो अगर हम इसको आपस में क्या कर दें बेटा? मल्टीप्लाई कर दें, आंसर क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा वन। क्यों मिलेगा वन? क्योंकि दोनों दोस्त है। अब जो दोस्त, दो दोस्त आपस में मिलेंगे तो बनेगा यूनिटी, मतलब कि दोस्ती। तो अगर आप साइन थीटा को कॉसेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मिलेगा क्या आपको? मिलेगा आपको वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को आवाज देता है, जैसे कि ये दोस्त क्या है? छत पर है। ये क्या कर रहा है? दूसरे वाले दोस्त को आवाज दे रहा है। तो जब अगर साइन थीटा ऊपर है तो उसका दूसरा जो दोस्त होगा बेटा वो कहां पर होगा? वो नीचे होगा। अगर आप कॉसेक थीटा को नीचे भेज देते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? वन अपॉन कॉसेक थीटा। मतलब अगर एक दोस्त ऊपर है तो दूसरा दोस्त कहां होगा? नीचे होगा। इसी तरीके से अगर कॉसेक थीटा को हम लिखें तो क्या होगा? वन अपॉन साइन थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? वन अपॉन साइन थीटा। अगर एक दोस्त ऊपर है तो दूसरा दोस्त कहां होगा? वन के
नीचे, कहां बेटा, वन के नीचे। फिर से मेरी बात आप सुनना, मैंने आपको सबसे पहले बोला कि साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, बोला यस सर मजा आ गया मजा आ गया। उसके बाद मैंने आपको बोला कि साइन थीटा का दोस्त होता है कॉसेक थीटा, बोलोगे यस सर। तो अगर साइन थीटा है पी अपॉन एच तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। ठीक है साहब, बोलेगा यस सर। ठीक, चलिए अगर दोनों दोस्त को हम मल्टीप्लाई कर दें, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, पता है क्या मिलेगा अपन को, मिलेगा वन। क्या मिलेगा बेटा, वन मिलेगा। ठीक है, और अगर ये एक दोस्त ऊपर है तो दूसरा दोस्त कहां होगा, दूसरा दोस्त होगा नीचे। तो हम लोग साइन थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉसेक थीटा। उसी तरीके से कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन थीटा। देखो जब तक आप रिलेट नहीं करोगे ना, मन से पढ़ोगे नहीं, ये चैप्टर आएगा नहीं समझ। थोड़ा तो प्यार करना पड़ेगा पढ़ाई से, अदरवाइज दिक्कत है। कहना है बोला सर कर लेंगे सर, थोड़ा लड़कियों से ध्यान हटाओ है ना, और पढ़ाई में मन लगाओ वरना दिक्कत होगा। अभी यार कोई भाई कमेंट मत करना कि सर आप मतलब क्लास के बीच में पानी पी रहे, सर्दी वर्दी हो गई भाई। चलिए, साइन का दोस्त कॉसेक, कॉस का दोस्त होता है सेक। ठीक है, कॉस का दोस्त कौन होता है बेटा, छठा फॉर्मूला हो चुका है ये सातवा। कॉस का जो दोस्त होता है ना वो होता है सेक। अब देखो बेटा, कॉस का दोस्त है तो ये बी अपॉन एच है, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी। ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। ठीक है, जैसे कि साइन का दोस्त कॉसेक था तो इसका उल्टा हो गया, उसी तरीके से बेटा कॉस का दोस्त कौन है, सेक है। तो जब कॉस का दोस्त सेक है बेटा, तो आपका कॉस है बी अपॉन एच, तो सेक क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद हमने क्या सीखा था, उसके बाद हमने ये सीखा था कि अगर दोनों ही दोस्त आपस में मिल जाए, दोस्ती कर ले दोनों दोस्त, तो अगर दोनों दोस्त आपस में दोस्ती कर लेगा बेटा, मतलब अगर हम कॉस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं, हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है वन। क्योंकि आपको पता है कि अगर दो दोस्त को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या मिलता है, हमें वन मिलता है। तो साइन का दोस्त कॉसेक, कॉस का दोस्त कौन हो जाएगा, सेक, एस ई सी सेक। ठीक है, चलिए उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि अगर एक दोस्त ऊपर है तो दूसरा दोस्त नीचे होगा। तो अगर कॉस थीटा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन सेक थीटा। ठीक है, और अगर सेक थीटा को ऊपर लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद बात करते हैं टेन के बारे में। तो देखो, टेन का जो दोस्त होता है ना, टेन का जो दोस्त होता है वो होता है कॉट, सी ओ टी कॉट। तो जाहिर सी बात है, जब ये टेन का दोस्त है तो टेन है पी अपॉन बी, तो कॉट हो जाएगा बी अपॉन पी। कॉट क्या हो जाएगा बेटा, बी अपॉन पी। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको पता है कि अगर दो दोस्त आपस में मिलते हैं, मतलब टेन और कॉट अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, वन। क्योंकि जब दो दोस्त मिलते हैं तो वन का निर्माण होता है। तो यहां पर क्या होगा बेटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, चलिए अब अगर एक दोस्त ऊपर है तो दूसरा दोस्त कहां होगा, नीचे होगा। तो अगर हम लिखते हैं टेन थीटा तो ये किसके बराबर होगा, वन अपॉन कॉट थीटा के बराबर। और अगर हम कॉट थीटा को ऊपर लिखते हैं तो टेन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, नीचे हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक्स फॉर्मूला है बेटा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जिंदगी भर ये ध्यान रखना कि साइन थीटा का जो चक्कर चलता है वो किसके साथ चलता है, कॉसेक थीटा के साथ चलता है। अगर दोनों एक साथ मिल गए तो वन, अगर एक ऊपर है तो दूसरा नीचे, अगर दूसरा ऊपर है तो ये वाला नीचे। ठीक है, ये बात आप जिंदगी भर याद रखना कि जो साइन है वो किसका चक्कर चलता है, उसके साथ कॉसेक का चलता है, वो उसका जोड़ा है। उसी तरीके से कॉस थीटा का जो जोड़ा होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है आपका सेक थीटा, है ना। कॉस थीटा का जोड़ा कौन है, आपका सेक थीटा।
उसके बाद जो टेन थीटा है उसका जोड़ा किसके साथ है भैया, उसका जोड़ा है कॉट थीटा के साथ। तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका 14 फॉर्मूले हो गए बेटा। एक और फॉर्मूला है जो आप ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला नंबर 15, कि टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अगर साइन थीटा और कॉस थीटा को आपस में डिवाइड करते हैं तो वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा टेन थीटा, ठीक है। और एक 16वां फॉर्मूला जो है, ठीक है, वो क्या है बेटा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है बेटा। चले तो यहां तक आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले फॉर्मूलेज को नोट कर लें अच्छे से, क्योंकि फॉर्मूले से ही यहां पर काम होने वाला, और कम से कम 4 से 5 बार मैं बढ़ा रहा हूं चीजों को, प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा, इस बात को आप समझ जाइए, है ना। वीडियो को नोट करके लिखिए, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, नहीं प्रैक्टिस करोगे कोई मतलब नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है बेटा पढ़ने का। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं वो पढ़ाई बेकार है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये पढ़ाई बेकार है। रफ कॉपी बना लो और फाड़ दो अच्छे से, क्योंकि एक बात आप और समझ लो कि जिस बच्चे का मैथ अच्छा होता है ना, उस बच्चे का सारा सब्जेक्ट अच्छा होता है, सोचने की जो थिंकिंग होती है वो भी क्या होती है बेटा, अच्छी होती है, ठीक है। चलिए तो एक नोट पर इस फॉर्मूले को एंड करते हैं, उसके बाद क्लास 10th के 1-2 क्वेश्चंस लगाएंगे बेटा, देन उसके जो नेक्स्ट क्लास होगा वहां से हम लोग अपने डिप्लोमा के क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देंगे। कुछ फॉर्मूलेज मैं आपको बताऊंगा, उस फॉर्मूले पे बेस्ड मैं क्या कराऊंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो धीरे धीरे क्या होगा आपके फॉर्मूलेज भी हो जाएंगे और आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे बेटा। तो डरो मत ना, करते हैं ना मेहनत, क्या है तब से डरा रहा हूं, तुम लोग डर ले हो, हैं, डरना नहीं है, पी बी और एच, ठीक है। अब एक बात आप समझिएगा, अगर मान लीजिए कभी किसी क्वेश्चन में आपको पी की वैल्यू मानकर चलो दे दी जाए और एच की वैल्यू भी आपको दे दी जाए, ठीक है, तो अगर आपको बी का वैल्यू निकालना हो, बी का वैल्यू क्या हो बेटा, अगर आपको निकालना हो तो एक जो फॉर्मूला है ना वो सिर्फ और सिर्फ इसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही बना है। एक ऐसा फॉर्मूला है जो सिर्फ और सिर्फ इसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही बना है, और जिस फॉर्मूले का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ये जो आपका पार्टिकुलर थ्योरम है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही बना है। क्या कहता है ये थ्योरम, ये थ्योरम कहता है कि P का आप स्क्वायर कीजिए प्लस आप B का स्क्वायर कीजिए, वो किसके बराबर होता है, H के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं PGT, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। क्या कहता है भाई साहब, भाई साहब ये कहते हैं कि P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल्स टू H का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इस फॉर्मूले को नोट कीजिए, अब हम लोग 10वीं क्लास के 1-2 क्वेश्चंस लगाएंगे, उसके बाद लेक्चर्स को क्या करेंगे, टाटा माय माय। चलिए माय डियर फ्रेंड, पहला क्वेश्चन करते हैं, और पहला क्वेश्चन हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, और ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। मैं सिर्फ आपको इसलिए ये करवा रहा हूं बेटा क्योंकि आपको ये पता चले कि ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आप जो प्रैक्टिस करोगे वो इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, मतलब साइन की जो वैल्यू है वो है 3/4, अपन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है कॉस ए एंड टेन ए, कॉस और टेन हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। चलिए
तो यहां पर अपन को जो दिया हुआ उसको क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे गिवन। क्या दिया गया है भाई, हमें दिया गया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब एक बात आप समझना, साइन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, पी अपॉन एच, आपको पता है ना साइन का फॉर्मूला क्या होता है। आप वहां देखो क्या होता है भैया साइन का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच। तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो पी के जगह पर कौन है 3 और एच के जगह पर कौन है बेटा 4। तो यहां पर देखो पी का वैल्यू है 3 और एच का वैल्यू है 4। ठीक है, अब यहां पर एक बात आप समझना कि तीन साइड्स होते हैं ना, कितनी साइड्स होते हैं बेटा, तीन साइड्स होते हैं, है ना, पी बी और एच। लेकिन यहां पर अपन को मिला क्या है, यहां पर सिर्फ मिला है पी और एच, बी का यहां पर हमें कोई भी पता नहीं है। आप देखो हमें क्या दिया गया है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, जिसको हम लोग साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन एच, पी के जगह पर 3 है और एच के जगह पर क्या है 4 है। ठीक, लेकिन यहां पर मेरा प्यारा बच्चा बी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, बी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए तो बी को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा पी जी टी का। किसका फॉर्मूला लगेगा, पी जी टी मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है भाई साहब, पाइथागोरस थ्योरम कहता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। ठीक है, चलिए पी कितना है बेटा, पी है 3, तो पी की जगह पर 3 रख देते हैं, 3 का स्क्वायर, बी का पता नहीं है। एच कितना है बेटा, एच है आपका 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर का मतलब क्या, 3 × 3 बी स्क्वायर, और 4 के स्क्वायर का मतलब क्या, 4 × 4, तो ये हो गया 3×3 = 9 प्लस बी स्क्वायर, और 4×4 = कितना हो गया 16। इस 9 को क्या करो, आप इधर भेज दो, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 − 9, तो यहां से बी स्क्वायर मिल गया अपन को, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या है, स्क्वायर है, अगर हम लोग स्क्वायर को उस तरफ भेज दें, अगर स्क्वायर को इस तरफ भेज दें तो क्या निकलेगा रूट। मतलब फिर से मेरी बात समझिए कि अगर इस तरफ स्क्वायर है और आप इस स्क्वायर को राइट साइड में भेजते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहां देखो b का स्क्वायर था, अगर हम स्क्वायर को राइट साइड शिफ्ट करते हैं, है ना, तो देखो स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो देखो p अपन को पता था, h अपन को पता था, पाइथागोरस थ्योरम से हमें b का पता भी चल गया, है ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्वेश्चन में निकालना है cos और tan, है ना, cos और tan। तो cos ए निकालना है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी अपॉन एच, तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, बी की वैल्यू कितनी है √7, एच कितना है बेटा, एच है आपका 4, एच है आपका कितना 4, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। और क्या निकालना है अपन को, और निकालना है tan a, तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन बी, P अपॉन में B। ठीक है बेटा, P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू है 3, तो P का वैल्यू 3 रख दिए, और B का वैल्यू कितना है √7, तो ये आपका √7। ठीक है, तो देखो बेटा क्लास 10th की चीज को पढ़ाकर मैं आपसे ये साबित करना चाहता हूं कि अगर आप अच्छे से पढ़ते हो बेटा तो ना ट्रिग्नोमेट्री पहले टफ था, ना ट्रिग्नोमेट्री आज टफ है, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ चाहता है प्रैक्टिस। मैंने रूट काउस बता दिया, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ प्रैक्टिस चाहता है, और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज नहीं हुआ आगे जाके है डिफरेंशियल कैलकुलस, आप वो नहीं कर पाओगे, और मैथमेटिक्स 2 में भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं इंटीग्रेशन के, वो भी आप नहीं कर पाओगे बेटा। तो मैं फिर से वही बात आपको बोलूंगा कि आप प्रैक्टिस कीजिए, माइंड हटा दीजिए कि आपसे नहीं होगा। व्हाइट बोर्ड में पढ़ाने का रीजन ये है कि मैं व्हाइट बोर्ड में अगर हाथ से बता सकता हूं बार बार चीजों को, है ना, जब मैं डिजिटल बोर्ड में पढ़ाता हूं तो मैं हाथ से चीजों को ऐसे ऐसे नहीं बता सकता, क्योंकि हाथ से बताऊंगा वो खराब हो जाता है। तो ठीक है ना, मैथमेटिक्स व्हाइट बोर्ड में अच्छा लगता है,
डिजिटल बोर्ड में करेंगे, फिजिक्स पढ़ाऊंगा ना, अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो मैं डिजिटल बोर्ड में पढ़ाऊंगा उसे, है ना। चल इसको आप एक काम कीजिए, नोट कीजिए, फिर एक और प्यारा क्वेश्चन करते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड, एक और प्यारा क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में क्या दे रहा है अपन को, क्वेश्चन में ये दे रहा है कि गिवेन कॉट ए इज इक्वल्स टू 8/15, कॉट की वैल्यू दी हुई है, हमें क्या करना है, साइन और सेक का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलो तो जो दिया हुआ उसको आप सबसे पहले लिखो, आपको दिया गया है कॉट ए कितना, 8/15। अब आप यहां देखो, मैंने कॉट का फॉर्मूला नहीं लिखा है साहब, हमने कॉट का फॉर्मूला नहीं लिखा है, हमें पता है कि जो टैन होता है वो होता है P/B। मैंने क्या बोला था, टैन का दोस्त कौन होता है बेटा, टैन का दोस्त होता है कॉट। तो जब टैन होता है P/B तो कॉट क्या हो जाएगा, B/P। तो यहां पर कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, B/P। हर चीजों को याद करना जरूरी नहीं है साहब, समझना भी जरूरी है, ठीक है। चलिए तो कॉट क्या होता है भाई साहब, कॉट होता है B/P। बी की वैल्यू कितनी है, देखो बी की जगह पर 8 है, पी की जगह पर कितना है 15। तो यहां से एक बात ये पता चला कि जो बी है वो 8 है और जो पी है वो क्या है 15। तो देखो बी है पी है लेकिन एच का पता नहीं है, एच का पता नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एच को पता लगाएंगे। कैसे लगाएंगे बेटा एच को पता, PGT से, है ना। चलिए भैया क्या होता है PGT, P² + B² = H²। पी का वैल्यू कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर। बी का वैल्यू कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है बेटा, एच तो निकालना है, तो एच का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर मतलब 15 × 15, 8 का स्क्वायर मतलब 8 × 8 = H² 15 × 15 हो जाएगा 225, और 8 और 8 हो जाएगा आपका 64, ठीक है, = H² इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 289 = H². स्क्वायर को अगर हम लोग इस तरफ भेजेंगे बेटा तो वो हो जाएगा √289 = H². अब देखो रूट आप अपने कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, फिलहाल अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं मोबाइल से निकाल रहा हूं, मैं बता दूंगा किसी टाइम पर आपको कि आप कैसे निकाल सकते हो बेटा, है ना, कैलकुलेटर से ही निकलेगा, मैं बता दूंगा, घबराना नहीं है ना। तो √289 होता है 17, तो एच का वैल्यू कितना हो गया बेटा, देखो जब स्क्वायर इस तरफ आया, ये जो स्क्वायर है ये इस तरफ आया तो रूट हो गया, और √289 कितना होता है 17 होता है, ठीक है, ये मैं आपको कैलकुलेटर से बता दूंगा। चलिए हो गया बेटा एच निकल गया, कितना निकला एच 17। अब आप देखो निकालना क्या क्या है, साइन ए, तो साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, तो साइन का फॉर्मूला हो गया P/H। पी कितना है बेटा, पी है आपका 15, एच कितना है बेटा, एच है आपका 17, तो ये हो गया आपका अंचल, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है, सेक। अब एक बात समझो, सेक इसका तो मैंने फॉर्मूला लिखा ही नहीं, लेकिन आपको कॉस के बारे में पता है, कॉस क्या होता है बेटा, कॉस होता है B/H, तो कॉस का दोस्त कौन है, सेक, तो जब कॉस है B/H तो ये हो जाएगा H/B, ठीक है। चलिए H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू है 17, और B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू है 8, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया बेटा। और आज हम लोगों ने क्या करा, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कर लिया, है ना। तो आपने सबसे पहले देखा होगा सिलेबस का वीडियो, आज हमारा लेक्चर 1 हो गया किसका, ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा लेक्चर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री का, और लेक्चर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये आपके डेमो लेक्चर्स हैं, आप यहां पर पढ़कर देखिए कि आपको कितनी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं, और जब आपको डेमो लेक्चर अच्छा लगेगा तो आपको क्या करना है बेटा, ऐप डाउनलोड करना है, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। ऐप पर देखना, नीचे स्टोर दिखेगा, ऐप पर नीचे क्या दिखेगा,
स्टोर दिखेगा, इस स्टोर पर जाकर आप सर्च कीजिएगा आरजीपीबी डिप्लोमा। तो जब आप सर्च कीजिएगा आरजीपीबी डिप्लोमा तो आपको दिखेगा आरजीपीबी डिप्लोमा का मैथमेटिक्स वन, वहां पर आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा बेटा। और जो कोर्स का फीस होगा वो आपका 499 होगा, है ना। बोलोगे सर आप फ्री पढ़ा दो यूट्यूब पर, देखो यार यूट्यूब पे फ्री जिम्मेदारी नहीं बनती। हो सकता है मैंने जितनी चीजें अभी तक फ्री स्टार्ट की ना वो सारी चीजें बीच में अटकी हुई है बेटा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप पैसे देते हो तो आप, अगर दो बच्चा ही मुझसे पढ़ता तो मेरा एक फर्ज बनेगा कि मैं कंटेंट को पूरा करूं। फ्री वाले में क्या है कि मैं पढ़ाऊं पढ़ाऊं, आपका बोलने का कोई अधिकार नहीं। तो 499 बहुत मिनिमम फीस रहेगा। मैं गारंटी लेता हूं कि सारे क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा आपको अच्छे से, ताकि आप एग्जाम्स में अच्छे से पास हो जाओ, है ना। और ये 500 सिर्फ आपको एक बार पे करना है कोर्स के लिए। अगर आप एक बार पे करोगे पूरे सेमेस्टर में आप मैथमेटिक्स वन पढ़ पाओगे, सारे वीडियोस को आप एक्सेस कर पाओगे बेटा, है ना। और जो थोड़ा सा पैसा देता है वो ध्यान भी देता है, बाकी आप देख लीजिएगा। तो इस वाले टॉपिक को आप क्या कीजिए अच्छे से नोट कर लीजिए। अब आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।